हमने अभी तक इलास्टिक कोलिजन की, इन इलास्टिक की, परफेक्टली इन इलास्टिक की 1D में। तो असाइनमेंट नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी ट्राई करना है आपने। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। दो मासेज हैं और मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि एक मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, दूसरा मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ऐसे इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी ऑफ देयर कंबाइंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। जब स्टिक टुगेदर तो किस टाइप की कोलिजन है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सेपरेशन नहीं हो रहा ना, दे स्टिक टुगेदर। तो स्टिक करने के बाद मास क्या हो जाएगा? एम प्लस एम, टू एम। तो इस केस में अपने को ऐसे करना पड़ेगा, ये बॉल आ रही है, ये बॉल आ रही है और ये स्टिक हो गई। स्टिक होने का मतलब टोटल मास 2m, स्टिक का मतलब टोटल मास 2m। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये mv मोमेंटम को आप इनिशियली आगे ले जाएं प्लीज। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल। तो पहली बॉल का मोमेंटम इधर है, दूसरी बॉल का मोमेंटम इधर है, ये इनिशियल है। इनका वेक्टर सम लें, वेक्टर सम क्या होगा? इनका वेक्टर सम ये होगा, ये वेक्टर सम है। तो वेक्टर सम में क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एम वी का स्क्वायर प्लस एम वी का स्क्वायर। ये दोनों के दोनों इनिशियल मोमेंटम्स हैं, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये इनिशियल मोमेंटम आया। तो बेसिकली ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। इस केस में इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये जो रिजल्टेंट आया ये इनिशियल मोमेंटम आया, नेट इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टक्कर से पहले नेट इनिशियल मोमेंटम क्लियर है, एमवी और एमवी का रिजल्टेंट हो गया। टक्कर के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद मास क्या हो गया इनका? एम और एम मिला के 2v, और 2v जो मास है या 2m सॉरी मास है वो मूव कर रहा है विद अ कॉमन वेलोसिटी vc। ऐसे होगा, कॉमन वेलोसिटी vc के साथ मूव करेगा तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? 2m into vc। तो ये रिजल्टेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल मोमेंटम। तो हमने क्या किया? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टक्कर से पहले मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो इस केस में आपको ये निकालना है कॉम्बिनेशन की कॉमन वेलोसिटी क्या है। तो यहां से अगर सॉल्व करें, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4m स्क्वेयर vc स्क्वेयर, यानी कि 2m स्क्वेयर vc स्क्वेयर इज 4m स्क्वेयर v स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो गया, vc की वैल्यू सॉल्व करके आएगी v डिवाइडेड बाय रूट टू, क्योंकि 4 नीचे जाएगा या 2 जाएगा, v बाय रूट टू। अब v की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 45 रूट टू बाय रूट टू, तो आंसर कितना आ गया? 45। तो कंबाइंड वेलोसिटी इज 45। तो मेथड क्लियर है। तो आज के बाद दो कोलिजन होंगी अगर इस टाइप से, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। रादर मैंने बोला था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन 1D में होती है, रादर ये तो 2D में हो गई। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है लेकिन 2D में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x y प्लेन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की भी यानी कि दो कैटेगरीज हैं, 1D एंड 2D। ये 2D का एग्जाम्पल हो गया, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, हो जाएगी सॉल्व। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन चेंज करके फिर से पूछूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? फिर आप देखना आप दे पाएंगे आंसर कि नहीं दे पाएंगे। अभी थोड़ी देर वेट करें, अभी पूछ लूँगा दे पाएंगे, आधे घंटे बाद पूछूंगा, आपको रियलाइज हुआ नहीं होगा उस टाइम देखेंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है ये वाला, सेकेंड।
पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टल स्पीड 6 गिवन है, u1 गिवन है, u2 भी गिवन है, स्मॉल m वेरी मच लेस देन कैपिटल m, स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल m के मुकाबले, 1D कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, स्पीड ऑफ द लाइटर पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये इनिशियल स्पीड है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, v1 निकालना है, लाइटर मास की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो v1 निकालना है, तो लगाएं v1 का फॉर्मूला, तो लगाओ इलास्टिक कोलिजन है, v1 का फॉर्मूला इज m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये केस बनेगा, आपने इसमें u1 u2 की वैल्यूज पुट करनी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये मेंशन होना कि स्मॉल m बहुत छोटा है, स्मॉल m बहुत छोटा है, तो आप उस स्मॉल m को अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करेंगे, जीरो। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल m इज वेरी मच स्मॉल, तो स्मॉल m यानी कि m1 को अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करेंगे यहाँ पर, जीरो, बहुत छोटे को जीरो पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? तो इसमें जरा प्लीज पुट करें, इस क्वेश्चन में m1 को तो पुट करें जीरो, m2 को पुट करें कैपिटल m, u1 को पुट करें 6, u2 को पुट करें 4, आंसर चेक करें क्या आ रहा है, चेक करें। टू मीटर पर सेकंड आ रहा है, चेक करो। M1 को जीरो पुट करो, M2 को बड़ा M पुट करो, U1 को 6 पुट करो और U2 को 4 पुट करो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता तो रीबाउंड करता ऑपोजिट, लेकिन प्लस में आया तो इन दी सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आंसर आएगा, ये ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन राइट साइड ही मूव करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें, क्लियर है? ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर है? दे स्टिक टुगेदर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दे स्टिक टुगेदर। सिक्स है, कितनों का सिक्स आया? ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ। 10 kg ऑब्जेक्ट कोलाइड विद स्टेशनरी, तो ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी u1, मुझे पता नहीं क्या। हाँ, एक और ऑब्जेक्ट है 5 kg लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 क्या, जीरो। फिर ये स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर का मतलब मास कितना है, 15 kg, और कॉमन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कोलिजन से पहले 10 × u1 और इसका मोमेंटम क्या, जीरो, कोलिजन के बाद 15 × 4, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया,
u1, 6 meter per second is the answer. क्लियर है यहाँ तक? तो वैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर तो जब स्टिक टुगेदर मोमेंटम कंजर्वेशन ही आंसर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको पता है कि 5th क्वेश्चन में क्या करना है, स्मॉल m को अप्रोक्सीमेटली 0 करो ट्राई। बॉडी जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, तो मास इज कैपिटल एम, मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो यू वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वी, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम और लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू टू इज इक्वल टू क्या, जीरो। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एम, एम क्या है, स्मॉल एम की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है ये बताना है, तो क्या बताना है, वी टू। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे, V2, क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो V2 का फॉर्मूला लिखते हैं, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू U2 प्लस 2 M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो U2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा इसमें, जीरो, तो V2 विल बी इक्वल टू, इसके अंदर ये आपके पास मास है M1 और ये मास है M2, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल M बहुत बड़ा है स्मॉल m से, तो स्मॉल m बहुत छोटा है, तो M2 अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ पर M2 स्मॉल m क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट करें, तो 2 इंटू M1, M1 को तो चलो m ही पुट करो, U1 को v पुट करो और M2 को पुट करो जीरो, M1 को m पुट करो, तो आंसर क्या आ गया, 2v, तो आंसर इज 2v, 2v मार्क कर लेना, कुछ भी नहीं करना, M2 को जीरो, क्योंकि स्मॉल m बहुत छोटा है, स्मॉल m कौन है, M2, M2 जीरो, चल नहीं रहा वो तो, नहीं आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर टक्कर के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टूड है ना कि टक्कर के बाद की वेलोसिटी पूछ रहा, पहले क्यों पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, नेग्लिजिबल ले रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे, नेग्लिजिबल छोड़ दिया जा रहा है, कैलकुलेशन में निगलेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन बड़ी है बाकी मासेस की, उसके सामने उसको निगलेक्ट कर रहे हैं बस, जीरो नहीं है एक्चुअल में, क्लियर है यहां तक? मेथड समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6।
आंसर देखें, टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 200 एंड 400, यानी कि 0.2 केजी एंड 0.4 केजी एरा। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम। आफ्टर कोलिजन द टू बॉल्स कम टू रेस्ट, तो चलो अगर ये रेस्ट पे आज आ भी जाती हैं दोनों की दोनों, 0.2 केजी भी रेस्ट पे है और 0.4 केजी भी रेस्ट पे है, तो आपको इसकी वेलोसिटी बताना है। v2 क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, तो इनिशियली टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या है, ये मोमेंटम है, इसका मोमेंटम क्या है, माइनस 0.4 इंटू u2 मोमेंटम है, क्यों, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और फाइनल मोमेंटम क्या है, जीरो। सॉल्व करके u2 निकाल लेना आंसर, सी ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है यहां तक, जो राइट जा रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, जो लेफ्ट आ रहा है नेगेटिव मोमेंटम, जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल्स आते, तो मैंने कब कहा नेगेटिव आ रहा है, आंसर क्या बोला मैंने, सी बोला, ओ सॉरी, आंसर पे पॉजिटिव आएगा, आंसर आंसर पॉजिटिव आएगा। नहीं यार, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, गलत लगाया है इसने मोमेंटम कंजर्वेशन, गलत लगाया है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेवेंथ सॉल्यूशन में गलत लगा हुआ है। पॉजिटिव आएगा पिछले का, कर रहे हो ऐसे, हाँ सेम आएगा, देखो क्यों, क्योंकि बिलियर्ड बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 कोलाइड विद आइडेंटिकल बॉल, मास बराबर है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 5 मीटर पर सेकंड से बॉल आई और दूसरी बॉल किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे, फिर 5 वाले ने टक्कर मारा वो खुद रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी 5 के साथ मूव करेगी, तो आंसर सेम ही आएगा 5, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है इलास्टिक कोलिजन में, जब मास क्या होता है सेम, आंसर 5 ही रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, हमने शॉर्टकट किया था, बस ये आइडेंटिफाई करना होता है, इलास्टिक कोलिजन है पहली चीज और मासेस आइडेंटिकल है और मोशन इन 1D है, 1D कोलिजन है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट 8th,
वो क्वेश्चन है, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया? देखो क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, ध्यान आगे प्लीज, एक बॉडी का मास एम है और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी। एक और बॉडी है जिसका मास कितना है, 2m, और किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो ये u1 है और ये u2 है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो आफ्टर कोलिजन मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, v1, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी सपोज कितनी है, v2। अब कोलाइडिंग बॉडी कौन है? कोलाइडिंग बॉडी ये है। तो ये बताओ जो कोलाइडिंग बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो आपको इनकी क्या निकालनी है, रेशियो। क्लियर है यहां तक? तो आपको वैल्यू निकालनी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, और इनकी क्या निकालनी है, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी v1। निकालो, v1 का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, डिवाइड करके आंसर बोलो क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें u2 को क्या पुट करेंगे, जीरो जीरो। तो यहां पर वैल्यूज पुट करो, यहां पर m, यहां पर 2m, यहां पर m, यहां पर 2m, और u1 की जगह v। चेक करो क्या आंसर आ रहा है, माइनस u बाई थ्री आ रहा है क्या, माइनस v बाई थ्री वैल्यू पुट करने के बाद। तो m1 को पुट करो m माइनस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू v, यानी कि माइनस v बाई थ्री। ठीक है, रीबाउंड होती होगी, कोई बात नहीं, पर एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ एम से हाफ एम कैंसल, तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। वी वन, वी वन की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वी बाय थ्री का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कैंसल, 9/1 इज द आंसर, डी आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, वी वन ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करना है। बॉडी जिसका मास कितना है, 5 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 10 meters per second, तो ये क्या गिवन है, u1। अनदर बॉडी जिसका मास कितना है, 20 kg, u2 क्या है, जीरो। एट रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी ड्यू टू कोलिजन, मतलब 5 kg बॉडी 10 के साथ है। अच्छा ठीक है, मतलब ये कि 5 kg बॉडी ने इसको टक्कर मारी और खुद ये किस पे आ गई, एट रेस्ट, खुद रेस्ट पे आ गई, और 20 kg मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 × 10 इनिशियल मोमेंटम, उसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम 5 × 0, और उसका मोमेंटम 20 × v2, v2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक,
यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया क्वेश्चन, लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, इलेवेंथ, इलेवेंथ ये आ रहा है बुलेट जिसका मास क्या है एम, तो एक बुलेट जिसका मास इज एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, ब्लॉक का मास क्या है कैपिटल एम और ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, गेट्स एम्बेडेड, एम्बेड होने के बाद इनका मास क्या हो जाएगा एम प्लस एम एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी वी सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्पोजिट ब्लॉक, ये कॉम्पोजिट ब्लॉक है मिल गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये आपको निकालनी है, तो आंसर क्या होगा हाफ एम प्लस एम इंटू वी सी स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन चिपक गए और इकट्ठे चल रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन एम इंटू वी प्लस जीरो इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी सी, तो वी सी की वैल्यू क्या आ गई एम इंटू वी अपॉन एम प्लस एम, तो यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हाफ एम प्लस एम, VC की जगह क्या पुट करेंगे M इंटू वी अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ओपन करें हाफ M प्लस एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, चेक करें ऑप्शन नंबर यहाँ है क्योंकि मल्टीप्लाई करते ना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, न्यूमिनेटर क्या आ रहा है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, वो देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, टू का टू और एम प्लस एम का एम प्लस एम, तो चेक करो जरा ये ऑप्शन, समझ में आ रहे हैं यहां तक, छोटा एम छोटा एम छोटा एम स्क्वायर, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने अलग अलग जान के किया है ताकि लोग ना देख पाए, ठीक है पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, नेक्स्ट
क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम, तो अल्फा पार्टिकल है मास एम है, सफर्स वन डी इलास्टिक कोलिजन विद न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास। चलो ये तो मास मुझे पता ही नहीं क्या है, छोड़ दो। नेक्स्ट है आफ्टर कोलिजन अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल मान लो यू वेलोसिटी से आया और आफ्टर कोलिजन वो कहता है वापस चला गया, जो ये वापस गया मान लो v1 वेलोसिटी से वापस गया, मुझे क्या पता किस वेलोसिटी से वापस गया, तो और n2 का क्या हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम, बस ये पता है कि ये टक्कर खा के वापस आएगा और इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक वो 75% ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी इसकी एनर्जी थी उसका 75% ख़त्म करके क्या आ जाएगा, हाफ m1 m into v1 square। तो इनिशियल एनर्जी जो भी है 75% ख़त्म कर लेगी ये बॉल और फिर फाइनल एनर्जी इसकी इक्वल आ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको निकालना है मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, m2 की वैल्यू क्या है ये बताना है, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट, भारी न्यूक्लियस है। तो मैं आपको ये हिंट दे सकता हूँ कि अगर आप मुझे v1 निकाल दो तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूँ 2m2u2/m1+m2 और u2 को तो ज़ीरो ही करना है। तो अगर आप मुझे v1 निकाल दो इन टर्म्स ऑफ u1 का मतलब u1 का मतलब यहाँ पर u, तो मैं कुछ आंसर निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे एनर्जी की हेल्प से v1 और u का रिलेशन निकाल के दो। साफ गिवन है कि ये जितनी एनर्जी थी इसके पास पहले कितनी थी बोलो, हाफ एम यू स्क्वायर थी, इसमें से 75% एनर्जी इसने खो दी, लूज़ कर दी। तो इसका 75% क्या होगा, 75% ऑफ हाफ इनटू एम यू स्क्वायर, लूज़ कर दी। तो बची हुई एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ऐसे समझ लो, नहीं तो डायरेक्टली कर दो कि इसके पास, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, इसके पास ये एनर्जी थी और 75% लूज हो गई तो बची कितनी, 25%, तो सीधा लिखो ना 25% ऑफ हाफ इनटू एम इनटू यू स्क्वायर किसके इक्वल है, हाफ इनटू एम इनटू वी वन स्क्वायर। एक ही बात है, ये कर लो या ये कर लो, बात तो एक ही है, ये दो स्टेप में होगा, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी थी इनिशियल 75% लूज हो गई और बची हुई एनर्जी ये, अब निकालो वी वन इन टर्म्स ऑफ U निकालना क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, v/2 u/2 सॉल्व करना इसे, हाँ ठीक है u/2 आ रहा होगा, मुझे भी लगता है u/2 है, सॉल्व करो इसे इस पूरे को और v और u का रिलेशन आएगा और चेक करो आंसर ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है यहाँ तक यही आया, तो अब एक काम करो इस वेलोसिटी को
यहाँ पुट कर दो v बाई टू, एम वन की जगह पुट कर दो m, m2 तो निकालना है, डिवाइडेड बाय m, m2 तो निकालना है, और इन टू u1 की जगह v, तो v से v क्या हो गया, कैंसल। तो जरा m2 निकालना इन टर्म्स ऑफ m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, m2 इन टर्म्स ऑफ m क्या आ रहा है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, अच्छा u, अच्छा एक मिनट, u by 2 कर लो प्लीज़ इसे, v by 2, u by 2 है, तो ये u by 2 आया है, ये भी u है, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u माना है, तो एक ही बात है, u और u कैंसिल, तो m2 निकालो इन टर्म्स ऑफ m, क्या आ रहा है, 3m, चेक करो 3m आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा आंसर। देखो कह रहे इतनी एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, 75% एनर्जी लूज हो गई, बचे कितनी हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो सॉल्व करके वी वन यू बाई टू आ गया, फॉर्मूला लिखा वी वन का, वी वन की जगह यू बाई टू, एम वन गिवन है एम, एम टू निकालना है, यू वन की जगह यू, यू टू तो जीरो है, सॉल्व कर लो आंसर। नेक्स्ट कितना डी है, हमने लास्ट टाइम किया था इनइलास्टिक कोलिजन, अगर हाइट एच है, एक बार हिट करने पे इलास्टिक रेस्टिट्यूशन अगर ई है, तो हाइट क्या हो जाती है, एच ई स्क्वायर एच, और सेकेंड टाइम हिट करने पे ई रेज टू पावर फोर एच, तो ये दो बार हिट करने को कह रहा है ट्वाइस, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 4h। ठीक है, लास्ट टाइम किया था हमने टॉपिक। नेक्स्ट कितना, क्वेश्चन है, अ स्मूथ स्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्फेयर ऑफ मास एम एट रेस्ट, यू इज इक्वल टू जीरो, आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज कैपिटल एम की क्या हो गई, कैपिटल वी, और स्मॉल एम की क्या हो गई, स्मॉल वी, वैल्यू ऑफ स्मॉल वी निकालना है,
तो एक तरीके से ये क्या हो गया यू वन, ये क्या हो गया वी वन, ये क्या हो गया वी टू। तो आपको क्या निकालना है इसमें, स्मॉल वी निकालना है, वी टू निकालना है। तो वी टू का फॉर्मूला ले लो, वी टू का फॉर्मूला लिखते हैं एम टू माइनस एम वन बाय एम टू प्लस एम वन इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो वी टू का मतलब यहाँ पर वी है, एम टू का मतलब यहाँ पर क्या है एम है, एम वन का मतलब क्या है यहाँ पर कैपिटल एम है, एम टू का मतलब एम है कैपिटल एम है, यू टू यहाँ पर ज़ीरो है, टू इंटू एम वन का मतलब क्या है कैपिटल एम है, यू वन क्या है यू है, एम वन का मतलब कैपिटल एम और ये स्मॉल एम है। तो ये तो ज़ीरो ही हो गया ना, तो कैपिटल वी की वैल्यू क्या, स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, वी टू का मतलब यहाँ पर क्या है स्मॉल वी, तो स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर टू कैपिटल एम यू बाय एम प्लस एम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, वी टू के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो ना, यू वन को यू पुट कर दो, यू टू को जीरो पुट कर दो, वी वन को बड़ा वी पुट कर दो और वी टू को वी पुट कर दो। आ गया ना, देखो इसमें लास्ट स्टेप बता दूं, इसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, तो कैपिटल एम को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो चेक करें आपके पास ये आंसर आ रहा है, चेक करें। कैपिटल एम को नीचे ले जाएं तो कैपिटल एम बाई कैपिटल एम वन है और ये स्मॉल एम बाई कैपिटल एम है, ये आंसर ठीक यही आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एंड में थोड़ी सी वो मैथमेटिकल वो है इसमें, तो आपको ऑप्शन देख के मार्क करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। ये हो जाएगा कंबाइंड मास है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, ये भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है वैसे तो। इसमें ना फिगर बना लो, थ्री आइडेंटिकल बॉल्स ए बी एंड सी, इनिशियली ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है और ये मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सारी कोलिजन्स इलास्टिक हैं, ये तीन आइडेंटिकल मासेस तो हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डी है, तो ये 10 के साथ आ रही है, ये रेस्ट पे है, टक्कर के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी, 10 से चलेगी, फिर ये इसे हिट करेगी, ये रेस्ट पे आ जाए, ये 10 के साथ चलेगी और ये रेस्ट, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही हैं क्योंकि मासेस सबके सेम है, तो आंसर इसका 10 ही आएगा, आंसर 10, वेलोसिटी एक्सचेंज होती जाएंगी आगे की तरफ। नाइनटीन्थ, जीरो, ठीक है। पार्टिकल जिसका मास m है मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर मेक्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद सेम मास, मास सेम है, इनिशियली लाइंग एट रेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल है तो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल किस पे आ जाएगा एट रेस्ट, और ये मूव करेगा विद द वेलोसिटी वी वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा जीरो।